मैं बस आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके 5 ऐसे सीट्स ढूंढ के लाया हूँ जिसमें आप लोगों को लिटरली काफी चीजें मिलने वाली हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं मिलेगा। पहले जाओ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, फर्स्ट वाले सीट में आप लोग स्पॉन हो जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो विलेज के जस्ट बगल में स्पॉन हो रहे हो। देख सकते हो एक साइड वाटर, एक साइड चेरी ब्लॉसम बायोम। इसमें 4 ब्लैकस्मिथ के हाउसेस मिल जाएंगे। सो विलेज के लेफ्ट साइड में आओगे, लेफ्ट साइड में आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स भी दिख रहा होगा, तो यहाँ चेस्ट मिलेगा जिसमें डायमंड रहता है। ओके, जो चेस्ट वाले की जगह से जस्ट सामने जाओगे तो यहाँ पर टिक करके अंदर जाओगे तो ट्रायल चैम्बर में पहुंच जाओगे। बैरल्स में अगर लूट करोगे तो देख सकते हो इंडर आई भी मिल जाता है। ओके, ये जो विलेज में फार्म रहता है इसके जस्ट बगल से नीचे जाओगे तो देख सकते हो स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंच जाओगे। विलेज के बगल में जो ओशियन है वहीं पर इस कोऑर्डिनेट पे आप लोगों को एक और चेस्ट मिलेगा जिसमें 2 डायमंड्स रहते हैं। विलेज के जस्ट नीचे आप लोगों को ज़ॉम्बी स्पॉनर भी मिल जाएगा। ओके, चेरी ट्रीज के बीच में एक रूइन पोर्टल रहता है जिसको कंप्लीट कर लेना। ओके, नेदर में आते ही बगल में ही आपको मिल जाएगा नेदर मेंशन, और जस्ट नेदर मेंशन से नीचे जाके थोड़ा सा साइड में देखना तो आपको नेदर फोर्ट्रेस भी मिल जाएगा। ओके गाइस, सो ये वाले सीट से मेरे सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे। इसमें आप लोग स्पॉन हो जाओगे यहाँ पे, यहाँ से जस्ट सामने जाना तो विलेज मिल जाएगा। एंड फेमिलियर क्यों होंगे, क्योंकि ये मैं बहुत यूज किया हूँ सीट अपने वीडियोस में। इसके ब्लैकस्मिथ के हाउस का एक बार लूट देखो, लिटरली इसमें 5-6 डायमंड्स हैं। ओके, सो स्पॉन लोकेशन से जस्ट राइट में आके यहाँ से नीचे जाओगे तो पहुंच जाओगे ट्रायल चैम्बर में। ओके, सो इस वाले लोकेशन पे आ जाना और यहाँ से नीचे चल जाना तो स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंच जाओगे। बगल में ये देखोगे तो चेस्ट और बुक्सेल्फ वाला एरिया दोनों मिल जाएगा। ओके गाइस, इस वाले कोऑर्डिनेट पे आप लोग को ज़ॉम्बी स्पॉनर मिलेगा एंड इसके चेस्ट में गोल्डन एप्पल भी रहता है। विलेज के जस्ट नीचे ही इस कोऑर्डिनेट्स पे आप लोगों को इतने सारे डायमंड्स मिल जाएंगे। ओके, सो रूइन पोर्टल को कंप्लीट कर लेना, देन उसके अंदर चले जाना। बाहर निकलते ही आप लोगों को इस कोऑर्डिनेट्स पे नेदर फोर्ट्रेस मिलेगा एंड जस्ट उसके आगे नेदर मेंशन। थर्ड सीड, ये वाला सीट आप लोगों को फर्स्ट सीट से काफी ज्यादा सिमिलर मिलेगा, लेकिन है नहीं। इसमें टोटल 5 ब्लैकस्मिथ के हाउस मिलेंगे। ओके, ये जो डबल फार्म है इससे जस्ट नीचे चले जाओगे तो स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंच जाओगे। यही बगल में ही बुकसेल्फ वाला एरिया भी मिल जाएगा। इसके चेस्ट में देखोगे तो स्मिथिंग टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। ओके गाइस, ये पूरे विलेज के नीचे आप लोगों को ट्रायल चैम्बर मिल जाएगा। और गाइस, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट से अगर नीचे आओगे तो देख सकते हो बीच में एक डायमंड भी मिलेगा। एग्जैक्ट इस कोऑर्डिनेट पे स्पाइडर स्पॉनर रहता है। ओके, सो यहाँ पर आ जाना तो इस कोऑर्डिनेट पे आप लोगों को बहुत सारे डायमंड्स मिल जाएंगे। इस वाले कोऑर्डिनेट पे आओगे तो एक रहता है, उसके चेस्ट में देख सकते हो इतने सारे लूट। ओके, सो उसी शिप के जस्ट पास में इस वाले कोऑर्डिनेट पे एक और विलेज है। ओके, सो फर्स्ट विलेज में वापस से आ जाना, वहीं एक रूइन पोर्टल रहता है, उसको कंप्लीट करके उसमें चले जाना। ओके, सो बगल में इस वाले कोऑर्डिनेट्स पे आपको नेदर फोर्ट्रेस भी मिल जाएगा। ओके गाइस, ये रहा फोर्थ सीड। इसमें भी आप लोगों को 4 ब्लैकस्मिथ के हाउसेस मिल जाएंगे। विलेज के जस्ट पास वाले रिवर पे ही जंगल टेंपल भी मिल जाएगा। इस वाले फार्म के जस्ट मिडिल वाले ब्लॉक पे ही एक चेस्ट आपको मिलेगा, उसको ओपन करोगे तो 3-3 डायमंड्स रहेंगे। ओके गाइस, विलेज के एग्जैक्ट नीचे ही आप लोगों को ट्रायल चैम्बर मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट देख लो, यहाँ पे आ जाना, यहाँ एक और चेस्ट मिलेगा, इसमें भी 3 डायमंड्स रहते हैं। ओके, विलेज में जस्ट इस वाले जगह पे पोर्टल बना लेना, फिर पोर्टल से जैसे बाहर निकलोगे पास में ही आप लोगों को नेदर फोर्ट्रेस मिल जाएगा। वेल गाइस, ये है इस वीडियो का लास्ट सीड। इसमें आप लोग स्पॉन हो जाओगे यहाँ पे। एंड गाइस, इस वाले सीड में आप लोगों को 5-6 विलेजेस मिलेंगे। ओके, सो ये है फर्स्ट सीड। इसमें आप लोगों को 4 ब्लैकस्मिथ का हाउस मिलेगा। ओके, सो विलेज के बगल में जो ओशियन है वहां पर एक चेस्ट में एक डायमंड रहता है। ओके गाइस, विलेज में ही एक रूइन पोर्टल भी रहेगा। कोऑर्डिनेट्स देख लो, बगल में एक चेरी ब्लॉसम बायोम भी है। इस वाले कोऑर्डिनेट पे ज़ॉम्बी स्पॉनर भी है। इसके चेस्ट में आप लोगों को गोल्डन एप्पल भी मिलेगा। ये रहा इस वाले सीट का सेकंड विलेज, और ये रहा थर्ड विलेज। कोऑर्डिनेट्स देख लो, यहाँ पर पिलेजर आउटपोस्ट है। ये रहा इस वाले सीट का फोर्थ विलेज। इसी के जस्ट पास में ही फिफ्थ विलेज भी है। इसी विलेज के जस्ट पीछे एक केव मिलेगा, वहां पर आओगे तो ज़ॉम्बी स्पॉनर रहता है एंड इसके चेस्ट में भी गोल्डन एप्पल रहेगा। कोऑर्डिनेट्स देख लो, यहाँ पर स्केलेटन स्पॉनर है। ये रहा सिक्स्थ विलेज का कोऑर्डिनेट्स एंड यहाँ पर एक केव रहता है, उसके अंदर जाओगे तो एक स्पाइडर स्पॉनर भी मिलेगा। ओके, और वापस से फर्स्ट सीड में इस वाले कोऑर्डिनेट से अगर नीचे जाओगे तो स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच जाओगे एंड यहाँ के चेस्ट का लूट भी देख ही सकते हो। ओके गाइस, इस वाले लोकेशन पे पोर्टल बना के उसमें चले जाना, नेदर फोर्ट्रेस पे पहुंच जाओगे। सो या गाइस, ये था 5 सीड्स फॉर 1.21। इनमें से कौन सा सीड सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। मैं तो आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।